आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं हमारे घरों में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है और उस करंट में कितने पावर होते हैं। मतलब अगर मान लो एक एम्पेयर का कोई लोड है या एक एम्पेयर करंट ले रहे हैं हम, तो उस एक एम्पेयर में कितने पावर होंगे, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे हमारे घरों में जो एम्पेयर हम यूज करते हैं, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है पंखा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, कूलर हो, कोई भी इक्विपमेंट्स हो सकता है, वो इक्विपमेंट्स का आपको एम्पेयर पता है कि वो इक्विपमेंट कितने एम्पेयर ले रहे हैं। ठीक है, तो उतने एम्पेयर में कितने वाट वो लेंगे तो हम कैसे पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि कोई लोड है जो कि एक एम्पेयर का है, तो हमें उसका पावर यानी वाट पता करना है। तो सिंपली एक फार्मूला है, पावर इक्वल टू यानी वाट इक्वल टू क्या है, वी इंटू आई। अब वी यहाँ पे पता है हमें कि घर में जो करंट आ रहा है वो 220 वोल्ट से सप्लाई हमें मिलता है, जैसे कि 220 भी मिलता है, 230 भी मिलता है, लेकिन वो फ्लक्चुएट करते रहता है। और लेकिन अब लोड डालने पे, जैसे आप लोड डालोगे उस पे, तो क्या होगा, वो एम्पेयर जो है वो वोल्टेज जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मान लो आपने ऑफ लोड में चेक किया, जो वोल्ट दिखा रहा है आपको 230 दिखा रहा है, ठीक है, अब कनेक्शन करने के बाद आप वोल्टेज चेक करोगे, थोड़ा वोल्टेज आपको कम शो करेगा कनेक्शन पे, और मतलब लोड पे शो करेगा, आपको वोल्टेज जो होगा वो कम करेगा। तो हम मान लेते हैं कि 220 वोल्ट जो है वो सप्लाई हमें मिल रहा है, ठीक है। अब वोल्टेज 220 हो गया, एम्पेयर हमें पता है कि एक एम्पेयर का कोई इक्विपमेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला पे पुट कर देंगे। तो फार्मूला पे क्या है पुट करना है, 220 गुना एक कर देना, तो जो रिजल्ट निकल रहा है वो वाट में निकलेगा, तो रिजल्ट कितना निकल रहा है, 220 ही निकल जा रहा है। तो 220 वाट पावर हो गया एक एम्पेयर का, अगर हम कोई इक्विपमेंट चला रहे हैं तो वो कितने पावर लेगा, 220 वाट लेगा। तो उसी तरह अगर मान लेते हैं कि अगर 5 एम्पेयर का कोई लोड है, ठीक है, कोई भी लोड हो सकता है, 5 एम्पेयर ले रहा है, अब हमें क्या करना है, फिर इसको भी पुट करना है। तो सिंपली वोल्टेज कितना है, 220, और एम्पेयर कितना है, 5, तो 5 गुना 220 करते हैं तो कितना आ रहा है, 1100। तो 1100 वाट का वो पावर ले रहा है। तो हमें एम्पेयर से पावर फाइंड करना या फिर ये बोल ले कि वाट फाइंड करना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस एक फार्मूले के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक और मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि कोई इक्विपमेंट्स है, तो मान लो कि 10 एम्पेयर वो ले रहा है, ठीक है, अब वो 10 एम्पेयर जो ले रहा है तो क्या करना होगा, हमें करना होगा 10 गुना 220, ठीक है, 220 क्या वोल्टेज और 10 क्या एम्पेयर, इसको गुना करते क्या आ रहा है, 2200। तो 2200 यानी 2 किलोवाट के आसपास, 2 किलोवाट 200 वाट, तो इतना पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है, वो ले रहा है, जो 10 एम्पेयर का जो भी इक्विपमेंट्स या फिर जो भी लोड है। तो इस तरह हम किसी भी लोड का एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट का बात कर रहे हैं, डीसी का नहीं कर रहे हैं, डीसी में कुछ और हो जाएगा, हम बात करेंगे अगले वीडियो में डीसी में कि डीसी में कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कितने एम्पेयर पे कितना पावर बनता है या फिर होता है। लेकिन आज की वीडियो में हमने ये जान लिया कि एसी करंट कहाँ होता है, हमारे घरों में, किसी भी घर में जो ये सप्लाई होता है वो एसी करंट होता है। तो एसी करंट में कितने एम्पेयर पे कितना पावर होता है। अब भी आपका कुछ डाउट रह गया है, देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपका कुछ सुझाव है देन आप सुझाव भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक, तब तक के लिए टेक केयर।